नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट के बारे में, कि करंट ट्रांसफार्मर पे पोलैरिटी टेस्ट क्यों करते हैं और पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले तो गाइस हम देखेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर पे पोलैरिटी टेस्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो गाइस, कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें जो सेंसिंग है वो ऑलवेज करंट ट्रांसफॉर्मर है, वही करंट को सेंस करके रिले को पहुंचाता है और डिपेंडिंग ऑन द सेंसिंग जो रिले है वो एक्शन करता है और आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो डिफरेंशियल की स्कीम है। तो डिफरेंशियल की स्कीम में क्या रहेगा गाइस, की प्रोटेक्टेड जोन जो रहेगा वो दोनों सिटी के बीच का जो जोन है वो प्रोटेक्टेड जोन रहेगा। तो गाइस सिटी की पोलैरिटी हमें उस हिसाब से रखनी है कि जो प्रोटेक्टेड जोन है वो इनसाइड ही रहे। अगर गाइस करंट ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी जो उल्टी हो गई तो क्या होगा गाइस, की जो प्रोटेक्टेड जोन है वो डिफरेंट हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। मतलब कि जो अगर करंट ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी चेंज हो गई तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिले जो है वो माल फंक्शन कर सकती है। इसीलिए हमें ऑलवेज पोलैरिटी जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर की चेक करनी है। अगर फर्स्ट टाइम हम करंट ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे पहले हमें जो करंट ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी जो है P1 एंड P2 जो है वो ऑलवेज कंफर्म करना है, और सेकेंडरी में S1 और S2 जो है वो ऑलवेज कंफर्म करना है। तो गाइज अगर आपको सिटी की पोलैरिटी जो है उसमें सिटी में P1 P2 कैसे रहता है, S1 S2 क्या है, अगर वो पूरा जानना है आपको, करंट का इन और आउट, प्राइमरी में इन कहाँ से होगा, एंटरिंग कहाँ से होगा और सेकेंडरी में आउट कहाँ से होगा, अगर वो पूरी सिस्टम आपको जाननी है तो सिटी पोलैरिटी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप वहाँ पे भी जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम ओनली कवर करने वाले सिटी पोलैरिटी टेस्टिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि पोलैरिटी टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज आप समझिए कि ये जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर है जिसपे हमें पोलैरिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो वो जो है टर्मिनल वो P2 टर्मिनल है, और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड जो टर्मिनल होगा वो P1 होगा, और यहाँ पे S1 और S2 जो टर्मिनल है वो सेकेंडरी के टर्मिनल है। और गाइस ये पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें पहले जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद हमें एक बैटरी चाहिए, और अब हमें एक सिंगल कोर का एक केबल चाहिए, सिंगल कोर का एक केबल चाहिए जिसमें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जो आप ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो देख रहे हो, वहां से हम केबल लेके करंट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में से इन करके फिर जो P2 के साइड से जो केबल निकलेगा वो केबल को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब गाइस नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो S1 जो सिटी का जो सेकेंडरी का S1 टर्मिनल है उसको हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और सिटी के जो सेकेंडरी का S2 टर्मिनल है उसको हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ। अब गाइस जैसे ही आप इतना कनेक्शन कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर जो है, अगर आपका जो सिटी का पोलैरिटी परफेक्ट है, ओके है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना जो पॉइंटर, जैसे आप ये देख रहे हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा और वापस रेस्ट पोजिशन में आएगा। और अगर जो पोलैरिटी करंट ट्रांसफॉर्मर का पोलैरिटी रिवर्स है, उल्टा है, तो क्या होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आएगा। तो आई होप आप समझ गए कि करंट ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी का टेस्टिंग जो है वो कैसे किया जाता है और वो करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।